तो गाइस हम लोग हैं मासूम है कुम और हल्की हल्की बारिश हो रही है और वहाँ पर जुलूस निकला हुआ है, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि आज इमाम अली की शहादत का दिन होगा। तो अभी बस हम लोग जा रहे हैं और हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज मैं आप लोगों को कुम की ज़ियारत कराने वाला हूँ, बेबी मासूम है कुम की ज़ियारत और उनकी जरी की ज़ियारत। तो बने रहे मेरे साथ। आज 21 रमज़ान इमाम अली की शहादत का दिन है। जो लोग आज नजफ जा के पुरसा नहीं दे सकते थे, वो आज बीबी मासूम है कुम के पास आकर पुरसा दे रहे हैं। नुसरत बुखारी घूम रहे थे तो यहाँ पर हम भी आए हैं पुरसा देने इमाम अली की शहादत के दिन बीबी मासूम है कुम। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस दिन यहाँ पर हूँ। ईरानी जलूस और ना जाने कौन कौन सी कौम यहाँ पर आई हुई थी, अपने अपने अंदाज से अपने अपने तरीक़ों से मातम और जलूस निकाल रहे थे, गम मना रहे थे। तो देखकर बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मैं इतना खुश नसीब हूँ कि यहाँ पर आकर इन लोगों के तरीक़ा, इन लोगों का मातम देख सका और मैंने भी इन लोगों के साथ मिलकर इन्हीं के तरीके से मातम किया और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाई है। तो चलते हैं 3 दिन पीछे, कूफा शहर में 19 रमज़ान फजर का वक्त। सारे परिंदे मौला को रोक रहे हैं रोक कर कि मौला आज मस्जिद मत जाओ वरना कूफा शहर के बच्चे यतीम हो जाएंगे। लेकिन मौला बहुत बहादुर थे, उन्होंने अपने कातिल को उठाया नींद से इब्ने मुलजिम के फजर का वक्त हो गया और मौला को पता था वो सजदे में ही उन पर वार कर दिया जाएगा तलवार से। मौला अली तो वो हैं जिन्होंने काबा के अंदर जन्म लिया और
رسول نے ان کو اپنا بھائی بتایا اور کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور وہ اتنے بہادر تھے کہ ان کو سجدے کے علاوہ کہیں بھی شہید کرنا ناممکن تھا۔ جب ان کو تلوار لگی تو کوفہ کے بچے بھاگے بھاگے آئے مولا کے پاس دودھ لے کر، کیونکہ اس زہر کا علاج صرف دودھ تھا۔ مولا نے اپنے قاتل کو پانی دیا اور پوچھا، کیا میں ایک اچھا امام نہیں تھا؟ ابن ملجم نے اپنی نظریں جھکا لیں، اور آج مولا کی شہادت کا دن ہے 21 رمضان، اور یہ سارے قافلے بی بی معصومہ کم پر آئے ہیں غم منانے، پرسا دینے۔ إني أحب
هذا الحسن يطلب تسي الأرض تبكي والسماء ووهي هذا الحسين في الدماء ووهي حيدا अभी हम लोग जा रहे हैं सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं हाल में खाना खाने जो कि यहां पर बीबी मासूम है कुम के रेस्टोरेंट बना हुआ है उनके नाम से मिलता है यहां पर खाना तो हम वहां पर जा रहे हैं आप लोगों को भी दिखाते हैं कि क्या होगा हाल में क्या-क्या खाना होगा और खाएंगे तो अब हम जा रहे हैं बेबी कुम के जो दस्तरखान पे खाना मिलता है वो खाना खाने जा रहे हैं हम उनके नाम से रेस्टोरेंट है यहां पर तो वो टिकट आप लोग लोग के छदिया देकर उसके बाद आप लोगों को टिकट देते हैं वो खाने के लिए तो उस पर टाइम डेट वगैरह सब कुछ मेंशन होता है तो हमारी आज डेट है तो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं चलो यार यहां एक दो और आगे एक और एक्स्ट्रा दे दिया इजाफे इराकी खाना याद आ गया तो उसमें इराकी से बेहतर है वैसे वाला खाना हम लोग भी खा रहे हैं चलो कोई तो है मेरी तरह चाय पी तो गाइस मैंने ना सूप वगैरह ईरानियों को बांट दिया क्योंकि वो हम नहीं खा सकते थे उसका टेस्ट ऐसा था और बाकी हमने दस्तरखान इमाम मेरे इमाम बीबी कुम का खा लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं बीबी मासूमा बीबी मासूमा कुम का हमने दस्तरखान बाकी खा लिया सब बस सूप हमसे नहीं पिया गया और अब हम आपको जाकर जरी की ज़ियारत करवाते हैं और फिर इस ब्लॉग को एंड करेंगे अब हम आपको कराएंगे बीबी मासूमा कुम की जरी की ज़ियारत और आप लोग भी यहाँ पर दुआ मांग लें देख कर वीडियो में इंशाल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी इलाही आमीन और ये देख सकते हैं